दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह का वध शिखंडी के कारण हुआ था, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद शिखंडी का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने मिलकर रात ही में बचे हुए पांडवों को मारने का निर्णय किया। तब कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। अश्वत्थामा ने धीरे से कहा, मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और मार काट मचा दूंगा और आप लोग के हाथों से कोई भी जीवित बचकर ना जा सके। ऐसा कहकर वह उस विशाल शिविर में द्वार से ना जाकर बीच ही से घुस गया। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास ही उसे धृष्टद्युम्न सोता दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकरा कर जगाया। अश्वत्थामा को आया देख ज्यों ही वह पलंग से उठने लगा कि अश्वत्थामा ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था, इसलिए वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा। अश्वत्थामा ने उसे जोर से दबाया और कहा, रे कुल कलंक, तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपने पैरों की चोटों से धृष्टद्युम्न के मर्म स्थानों पर प्रहार किया। उस समय धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जग पड़े। उन्होंने एक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा, इसलिए भय के कारण उनमें से कोई भी बोल ना सका। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद वह उस तंबू से बाहर आया और रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। धृष्टद्युम्न को मरा देखकर उसकी रानियां और रखवाले ने क्षत्रिय वीरों को कहा, जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता यह कोई राक्षस है या मनुष्य है। देखो इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्तमौजा को पलंग पर सोते देखा। उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया और पीट पीट कर मार डाला। युधामन्यु ने समझा कि उत्तमौजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वह गदा लेकर दौड़ा। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया और उसे भी पशु की तरह मार डाला। इस प्रकार उसने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया और सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्य श्रेणी के सैनिकों को भी निद्रा में बेहोश देखा और उन सब को भी एक क्षण में ही तलवार से तहस नहस कर डाला। इससे उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। दोस्तों वह सारी छावनी में चक्कर लगा रहा था कि तभी द्रौपदी के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न के मारे जाने का समाचार सुना तो वे अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा भी अपनी दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उससे प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली, सुतसोम की भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली और हृदय पर प्रहार किया, शतानिक का सिर काट डाला, श्रुतकर्मा पर अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर वार किया जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और फिर श्रुतकीर्ति के भी सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने एक बाण से शिखंडी की भ्रूकुटियों के बीच में चोट की और फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर वह अत्यंत क्रोध में भर गया। फिर उसने प्रबधरक वीरों को मारना आरंभ किया। राजा विराट की जो कुछ सेना बची थी उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र, पौत्र और संबंधियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर पांडवों की सेना में हजारों वीर जाग पड़े। उसने उनमें से किसी के पैर, किसी की जांगे और किसी की पसलियां काट डाली। उन सब की लोथों से सारी रणभूमि पट गई थी।
इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा और उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर सारे योद्धा लोग निद्रा और भय से अचेत से होकर इधर उधर भाग रहे थे। किन्हीं को चक्कर आ रहा था, किन्हीं का मलमूत्र निकल गया था। अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे और वे हाथ जोड़े भय से थर थर कांप रहे थे। तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के तीन ओर आग लगा दी। लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे, भाई आज पांडवों के पास ना रहने से ही हमारी यह दुर्गति हुई है। दोस्तों, दो घड़ी के बाद वह सारा कोलाहल शांत हो गया। सारी भूमि खून से तर हो गई थी, इसलिए एक क्षण में ही वह भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे। उनमें से किसी को भी उसने जीवित नहीं छोड़ा। इस प्रकार उस आधी रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया। उस समय नर रक्त से सनकर वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई थी कि मानो वह उसी का एक अंग हो।